हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। इस वीडियो में अपन सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे फाइव वेरिएबल के मैप का। फाइव वेरिएबल के मैप की थ्योरी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फाइव वेरिएबल का के मैप हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फाइव वेरिएबल का कंसेप्ट समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 11। यहाँ पे ये पार्ट 12 वीडियो है। के मैप के सारे वीडियो और के मैप के बारे में समझने के लिए सारे वीडियो को सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको पूरा के मैप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है। हमें इस बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करना है के मैप की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन में फाइव वेरिएबल्स दिए हैं, ए बी सी डी ई। फाइव वेरिएबल के लिए हम के मैप कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि फाइव वेरिएबल के लिए जब हम के मैप बनाते हैं तो के मैप में बेसिकली हम अपने ट्रुथ टेबल की इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइव वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी भी ब्रीफ में बताती जाऊंगी। जब आप फाइव वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करोगे, पांच वेरिएबल है तो हम कैसे लिखते हैं फाइव वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे इन फाइव वेरिएबल के लिए? 2^n से हम फाइंड करते हैं, जहां पे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे है 5। तो 2^5 इक्वल टू 32 इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, 32 इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे। 32 इनपुट कॉम्बिनेशन मतलब है हमें a फर्स्ट वेरिएबल है, इसके लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 16 16, यानी 16 जीरो लिखने पड़ेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद 16 वन लिखने पड़ेंगे, 16 0 और 16 1। फिर बी के लिए बात करें तो 8 0 लिखने पड़ेंगे, फिर 8 हम वन लिखेंगे उसके बाद। इसी तरह यहां पे फिर हम 8 0 लिखेंगे और फिर 8 1 लिखेंगे। फिर अगर थर्ड वेरिएबल की हम बात करें तो इसमें हम 4 0 लिखेंगे और यहाँ पे 4 1 लिखेंगे, फिर 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1। फोर्थ नंबर के वेरिएबल में हम 2 0 2 1 2 0 2 1 करके पूरा फिल कर लेंगे। फिफ्थ नंबर के वेरिएबल में हम 0 1 0 1 करके पूरे 32 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस ट्रुथ टेबल में आप देखिए, हमारे पास ये ट्रुथ टेबल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू अप टू 16 तक, 0 to 15 तक ए की वैल्यू 0 है, और 15 के बाद यानी 16 से लेकर 31 ये वाले जो 16 कॉम्बिनेशन बचे उसके लिए हमारी ए की वैल्यू 1 है। यानी इन 16 कॉम्बिनेशन के लिए हमारी ए की वैल्यू फिक्स हो गई 0, और इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, 16 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमारी ए की वैल्यू फिक्स हो गई 1। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ए इक्वल टू 0 फिक्स हो गया 16 कॉम्बिनेशन के लिए, और एक वेरिएबल ए इक्वल टू 1 फिक्स हो गया नेक्स्ट 16 कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, यानी हमें 16 सेल का एक के मैप बनाना है। 16 कॉम्बिनेशन मतलब इनपुट के 16 कॉम्बिनेशन मतलब 16 सेल। ठीक है, ऐसे ही तो हम नंबर ऑफ सेल भी फाइंड करते हैं ना 2^ से। तो अगर 16 सेल के लिए बनाना है तो कितने वेरिएबल का के मैप बनाओगे? 2^4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो 4 4 वेरिएबल के हम 2 के मैप बनाएंगे। एक के मैप में हमारी ए की वैल्यू 0 फिक्स होगी और दूसरे के मैप में हमारी ए की वैल्यू 1 फिक्स होगी। क्यों होगी? वो यहां पे आप देख पा रहे हो कि पहले 16 कॉम्बिनेशन के लिए हमारा ए 0 के बराबर है और नेक्स्ट 16 कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू फिक्स है 1। ठीक है, और हमारे पास टोटल 32 कॉम्बिनेशन है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 16 16। तो 16 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको के मैप बनाना हो तो कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा?
2^4 इक्वल टू 16 होता है, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। ठीक है, तो यहां पे एक के मैप बना लीजिए ये 4 वेरिएबल का, एक के मैप बना लीजिए ये 4 वेरिएबल का, इसमें 16 सेल होंगे, इसमें 16 सेल होंगे, मिला के हो गए पूरे 32 सेल। तो ये वाला जो फर्स्ट 4 वेरिएबल के मैप होगा उसमें हमारे एक वेरिएबल ए की वैल्यू होगी 0, और ये वाला जो के मैप होगा उसमें हमारे ए की वैल्यू फिक्स होगी 1। तो ये ए इक्वल टू 0 के लिए के मैप हो गया, वो ए इक्वल टू 1 के लिए हो गया। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा 5 वेरिएबल का के मैप बन जाएगा। ठीक है, अब 4 वेरिएबल्स रिमेनिंग है बी सी डी ई। देखिए ये चारों रिमेनिंग रह गए बी सी डी ई, ऐसे यहां पे बी सी डी ई। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। अब बी सी दो वेरिएबल के चार कॉम्बिनेशन, जैसे हम 4 वेरिएबल के मैप बनाते हैं वैसे ही यहां पे हमको ये दो 4 वेरिएबल के मैप बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए फटाफट, मैं मान के चल रही हूं कि आपको 4 वेरिएबल के मैप अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि उसके मैंने बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी तरह तरह के कराए हैं, तो वो जरूर करिएगा। 00011110 ये ग्रे कोड लिखे हैं, 00011110 सारी चीजें आपको वर्बली याद हो जानी चाहिए अभी तक। यह हमारा 16 सेल का एक के मैप बन गया, ऐसे ही यहाँ पे भी 00011110 00011110 ये 16 सेल का हमारा दूसरा के मैप बन गया। अब हमें मालूम है ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिया है, एसओपी फॉर्म में, क्योंकि अगर यहाँ पे समेशन एम है तो एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है, अगर पाई कैपिटल एम होता तो ये एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में होता। तो एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन है, यानी ये हमारे दिए हैं मिन टर्म्स। एसओपी फॉर्म में हमें मालूम है कि अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एसओपी फॉर्म में है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी बी सी कॉम्प्लीमेंट। यहां डी की लिख लीजिए डीई और डी ई कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे में हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट ई डी ई और डी ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें एड्रेसिंग करनी है सेल की, तो सेल की पहले 16 कॉम्बिनेशन के लिए तो हमारा वही 0 to 15 वाला एड्रेस ही चलेगा जैसे हम करते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका एड्रेस तो ऐसे ही चलेगा। इस वाले एड्रेस में देखिए यहां पे a इक्वल टू 1 है तो ये पहले वन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके बी सी डी ई है तो फिर बी सी की वैल्यू ले लो 00 और डी ई की ले लो 00। इसका जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा आपका 16। निकाल के देखिए 10000, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए वही 1 2 4 8 16 वाले रूल से, 1 2 4 8 16। तो ये देखिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया 16। ठीक है, तो इसकी 16 आ गई, ये आ जाएगा 17, ये 18, ये 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। आप किसी का भी ऐसे ए की वैल्यू 1 लीजिए, यहां से आएगी बीसी की वैल्यू, ऊपर से आएगी डीई की वैल्यू, अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए ये 21 आएगा। तो इस तरीके से इसके एड्रेस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमने एड्रेस लिख लिया, ये हमारा एक 5 वेरिएबल का के मैप बन गया। अब हमें इसमें नंबर ऑफ वंस फिल करने हैं, क्योंकि हमारा ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म में है,
जब एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में दिया हो तो नंबर ऑफ वंस फिल करते हैं, अगर गिवन एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में हो तो हम नंबर ऑफ जीरोस फिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हमारे मिन टर्म दिए हैं, इन इन जगह में हमको वन फिल करना है। हमें मालूम है कि ये जो मिन टर्म का नंबर होता है वो हमारे सेल के एड्रेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनमें आप फिल कर दीजिए, जीरो में वन, वन नंबर के सेल में वन, सिक्स नंबर के सेल में वन, सेवन नंबर के सेल में वन, एट नंबर में वन, नाइन नंबर में वन, फिर 21 में वन। तो 21 यहां होगा, 21 में, 22 में, 23 में, 29 में और 31 में। ये देखिए हमने जितने मिन टर्म दिए थे वहां पे वन फिल कर दिया। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग हम एडजेसेंट सेल के बीच में ग्रुप करते हैं। अब एडजेसेंट कौन कौन से सेल होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये दो हमारे डिफरेंस के मैप है, इन दोनों में हमारे आपस में एडजेसेंट सेल कौन से होंगे, इसकी एडजेसेंसी तो आपको मालूम है क्या है, टॉप वाला उसके करस्पॉन्डिंग बॉटम वाले आपस में एडजेसेंट होंगे, राइट वाले उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले से एडजेसेंट होंगे, ये कॉर्नर आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, ये दो सेल आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, ये सेल इस सेल से एडजेसेंट होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये चारों आपस में एडजेसेंट होंगे, तो ये सब आपको मालूम है। ठीक है, फोर वेरिएबल के लिए। अब फाइव वेरिएबल के लिए इन दोनों के मैप में हम एडजेसेंट सेल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों सेल को एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी सुपर इम्पोज करेंगे। जब आप दोनों के मैप को सुपर इम्पोज करोगे तो वो सेल जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं या पैरेलल में है या एक के ऊपर एक है वो आपस में एडजेसेंट होंगे, यानी ये वाला जो सेल है वो इससे एडजेसेंट होगा, ये इससे 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 होगा। दो सेल जब हम इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो जो आपस में एक के ऊपर एक होंगे वो एडजेसेंट होंगे। उसके बाद अपन रो की बात कर लेते हैं, तो ये वाली रो इस रो से एडजेसेंट होगी, ये रो आपस में एडजेसेंट होंगी, ये आपस में एडजेसेंट होंगी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगी, लेकिन ये वाली रो इस वाली रो से एडजेसेंट नहीं होगी, ये वाली रो इससे एडजेसेंट नहीं होगी, ये इससे एडजेसेंट नहीं होगी, ये इससे एडजेसेंट नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कॉलम के लिए है, ये वाला कॉलम इससे एडजेसेंट होगा, ये इससे एडजेसेंट होगा, ये इससे एडजेसेंट होगा और ये इससे एडजेसेंट होगा। ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट होंगे, फर्स्ट कॉलम इससे एडजेसेंट होगा, ये वाला इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, कौन सा एडजेसेंट नहीं होगा, तो ये वाला कॉलम इस कॉलम से एडजेसेंट नहीं होगा, ये वाला कॉलम इस कॉलम से एडजेसेंट नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम तो इससे एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो ये एडजेसेंट सेल रो और कॉलम हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद अगर हमने यहां पे ये चारों सेल आपस में इन चारों सेल से एडजेसेंट होंगे, ये दोनों इन दोनों से एडजेसेंट होंगे, ठीक है, तो यहां के जो एडजेसेंट सेल है वो यहां के एडजेसेंट सेल से एडजेसेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करने में हमें मालूम है कि हम सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को सबसे पहले ग्रुप करते हैं, तो यहां पे हमारे पास 32 सेल हैं, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन सकता है, आपके 32 सेल का ग्रुप बन सकता है, उसके बाद हमारे 16 सेल का ग्रुप बन सकता है, फिर 8 सेल का ग्रुप बन सकता है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ग्रुपिंग होती है। ठीक है, यहां पे 32 इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रुप बना सकते हैं, यानी 32 नंबर ऑफ वंस का हम ग्रुप देखेंगे सबसे पहले, फिर 16 सेल का ग्रुप बनाएंगे, फिर 8 का, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो यहां पे देखिए क्या 16 सेल का
ग्रुप बन रहा है 16 नंबर ऑफ वंस का, नहीं बन रहा। यहां पे पॉसिबल है 4 नंबर ऑफ वंस का ग्रुप। यहां पे देखिए इन 4 नंबर ऑफ वंस का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद एक 4 नंबर ऑफ वंस का ग्रुप ये बनेगा। तो ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर 1, ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2, और ये दो सेल हमारे इन दोनों सेल से एडजेसेंट है तो इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इनका ये बन गया ग्रुप नंबर 3। तो इस तरीके से हमारे क्वाड बने हैं। जो 4 सेल का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं क्वाड, 2 और ये 3। इनके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो तरीका वही है। फर्स्ट नंबर के ग्रुप के लिए आप एक्सप्रेशन फाइंड करिए। इन चारों वन में आप देखिए ये दोनों कोड इस डायरेक्शन में इन्वॉल्व है और ये दोनों कोड इस डायरेक्शन में इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? बी बार बी में चेंज हो रहा है, सी बार हमारा कॉमन है, लेकिन सी बार तो हमने यहां देख लिया तो सी बार लिख लो, लेकिन इसमें हमारा एक वेरिएबल ए इक्वल टू 0 भी कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, उसको हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो यहां पे ए हमारा सबसे पहले कांस्टेंट है तो ए बार लिख लीजिए, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। तो जब भी एसओपी में 0 वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 थी इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से। तो मैंने यहां ए बार लिख लिया। इनमें आप देखिए सी बार हमारा कांस्टेंट है तो सी बार लिख लिया। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपका डी बार कांस्टेंट है, ई चेंज हो रहा है तो हम डी बार लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने फर्स्ट ग्रुप का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। इसी तरह हमें ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का फाइंड करना है। अब ग्रुप 2 में देखिए, ये हमारा ग्रुप 2 है। इस ग्रुप 2 में सबसे पहले ए वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है हमारा, तो हम ए लिख लेंगे, और ए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एसओपी में अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ए लिख लिया। उसके बाद इस क्वाड में हमारे ये दोनों वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है। इन दोनों वेरिएबल में देखिए बी चेंज हो रहा है, सी कांस्टेंट है तो हम यहां पे सी लिख देंगे। इन दोनों में देखिए ई कांस्टेंट है, डी चेंज हो रहा है तो हम यहां पे ई लिख देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम अपने एक्सप्रेशन में ले लेते हैं। ठीक है, जो चेंज नहीं होता। अब ग्रुप 3 की हमको एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करनी है? ग्रुप 3 में देखिए ये 2 1 और ये 2 1 की ग्रुपिंग है, मतलब इसमें हमारा ये वाला कोड शामिल है। ठीक है, और ये 2 कोड शामिल है। ठीक है, जब आप इनको आपस में ओवरलैप करोगे या सुपर इम्पोज करोगे तो ये वाला कोड और ये 2 कोड आपके शामिल होंगे। तो ये तो हमारा बी बार सी है, ये भी बी बार सी है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे कांस्टेंट हैं तो हम बी बार सी लिख लेंगे। इन दोनों में देखिए डी ई, यहां पे डी ई बार में चेंज हो रहा है, यानी ई चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है। यहां पे भी डी कांस्टेंट है, ई चेंज हो रहा है तो हम डी लिख लेंगे। इस तरीके से हमने तीनों ग्रुप के एक्सप्रेशन लिख लिए। अब हमें इनका सम करना है, क्योंकि जो हमारे एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, हमें एसओपी फॉर्म बनाना है। तो एसओपी में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टर्म का सम करते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म है उसको ऐड करेंगे सेकेंड ग्रुप के प्रोडक्ट टर्म से और थर्ड ग्रुप के प्रोडक्ट टर्म से। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या है, ए बार सी बार डी बार प्लस सेकेंड का ए सी ई और थर्ड का बी बार सी डी।
तो ये हमारा एक मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन आया इस वाले 5 वेरिएबल फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने 5 वेरिएबल के मैप को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कौन कौन से रो, कौन सी कॉलम, कौन से सेल एडजेसेंट है वो याद रखना है, और इसके लिए हमारा ए कांस्टेंट होता है 0, इसके लिए हमारा ए कांस्टेंट होता है 1, ये आपको याद रखना है। 3-4 चीजें आप याद रखोगे, बहुत इजीली 5 वेरिएबल का के मैप भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको 5 वेरिएबल के मैप के और एग्जांपल करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।